Good morning, students. Good morning, sir. How are you? We are fine. And you? Fine. Thank you. Today we shall discuss report writing. Here is a report, and it is like this: a new botanical garden. Botanical garden मतलब खुद भी दो. विभिन्न प्रकार का अच्छा दाय. Botanical garden has been flower garden is also there. फूल बगीचा अच्छे गच्छ बगीचा भी अच्छे. सो ए न्यू बॉटनिकल गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन योर लोकल कॉलेज बाय ए लोकल सेलिब्रिटी स्थानीय गोटे प्रख्यात विख्यात व्यक्ति द्वारा है ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द इवेंट यही घटना पर गोटे दस्तावेज लेख इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू बॉटनिकल गार्डन एट रेवेन्सा कॉलेज कटक. सो कटक 15th डेट इज 15th जुलाई 2015. मिस्टर ललित ललित दिस इज ललित कुड अंडरस्टैंड ललित आई सरंगी दिस इज आई कुड अंडरस्टैंड नो ललित मान सिंह दिस इज सिंह कुड अंडरस्टैंड एस एच आई एन जी मान सिंह फॉर्मली इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी एंड इंडियाज अंबासेडर टू दि यूनाइटेड स्टेट्स इनॉग्रेटेड उद्घाटन कले ए न्यू बॉटनिकल गार्डन हियर टुडे दि कमिशनर ऑफ पुलिस एंड द मयूर वेर आल्सो प्रेजेंट ऑन दि ओकेजन ये उपलक्ष्य उपस्थित थे द बॉटनिकल गार्डन इज दि इज द बॉटनिकल गार्डन इज जी इज पार्ट ऑफ द बॉटनिकल डिपार्टमेंट बॉटनिक डिपार्टमेंट स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द चीफ गेस्ट सेड दैट इन दिस गार्डन प्लांट कलेक्शंस आर ग्रोन फॉर डिस्प्ले एंड साइंटिफिक स्टडी इट कंप्राइजेस ए हर्बारियम हर्ब जाक रखाई चेरमूलिका दैट इज कॉल्ड हर्बारियम लेबोरेटरीज एंड ए म्यूजियम संग्रहालय संग्रहालय सो इट ऑफर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी दि गार्डन इज स्प्रेड ओवर एन एकर ऑफ टू एकर्स एंड एन एकर ऑफ टू एन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ ऑफ टू एकर्स एंड कंप्राइजेस ए पॉन्ड इन दि सेंटर देर इज ए पॉन्ड इन दि सेंटर ऑफ दि गार्डन दि पाथ इन दि गार्डन आर पाथ बोले रास्ता इन दि गार्डन आर आप ग्रेवल पत्थर पत्थर सब पड़ी एंड लेड टू दि पंड पंद आड़ को देर इज ए स्नाक्स बार गोटे जलखिया दुकान अच्छी वेर लाइट रिफ्रेशमेंट कैन बी हेड जोटी आम टेफिन कर चीफ गेस्ट हेड टी विथ दि गेस्ट एंड दि फैकल्टी हि कंग्राचुलेटेड दि वाइस चांसलर एंड अदर अफिशियल्स ऑन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन रेकॉर्ड टाइम सो नेक्स्ट वन इज नंबर टू दैट इज राइट ए ब्रीफ संक्षिप्त ब्रीफ मीन संक्षिप्त रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापन एंड क्लाइमेट पाग परिवर्तन चेंज एज द हेड ऑफ एन एनजीओ फॉर प्रेजेंटेशन इन ए व्हाट डिड आई से इन ए दैट इज इन ए मीटिंग ऑफ एनजीओस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डियर फ्रेंड्स द मीटिंग ऑफ द एनजीओस ऑन द इश्यू ऑफ मामला ऑफ गवर्नमेंट ग्लोबल वार्मिंग इज एन अगस्त ओकेजन एंड आई फील ऑनर टू प्रेजेंट दि मु निजक गौरव मन कर सम्मानित मन कर प्रेजेंट दि रिपोर्ट ऑफ जेनेपेस एंड द एनजीओ हुईज आई हैड इन दिस मीटिंग आवर रिपोर्ट कंप्राइजेस गठित होती द जनरल थिंग्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एज एन इश्यू एंड द पार्टिकुलर सजेशंस टू कंबैट द अलार्म कंडक्ट सहित मुकाबला करवा सो ग्लोबल वार्मिंग इज द इनक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापन कौन आमर टेम्परेचर जदि बढ़ीगला दैट इज कॉल्ड ग्लोबल विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग
अब द एटमॉस्फेयर परिवेश एंड ओशन समुद्र महासमुद्र काजेस ग्लोबल देर डिफरेंट काजेस आर देर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर हेक्साफ्लोसाइड ओजेन सीपीएफ एंड वाटर वेपर्स ट्रैप समयावधि सन्स एनर्जी विद इन आवर एटमोस्फेयर एंड इनक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस पृथ्वीर भूपृष्ठा को सी गरम करदे दिस एफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस एफेक्ट डिक्रीज्ड एल्बिडो जस्ट 1 मिनट डिक्रीज्ड एंड इनक्रीज द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ सरफेस दिस एफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस एफेक्ट डिक्रीज अल्बेडो दस इज अल्बेडो अल्बेडो इज द सरफेस रिफ्लेक्टिबिलिटी अल्बेडो सरफेस सरफ इज सरफेस रिफ्लेक्टिबिलिटी ऑफ सन्स रेडिएशन सो दिस इज भू विकिरण दिस इज कॉल्ड भू विकिरण ऑफ सन्स रेडिएशन करेंटली एस दिस इज एस करेंटली एस अल्बेडो इज अबाउट 0.30 दैट इज 30% ऑफ सन्स एनर्जी एनर्जी इज रेडिएटर बैक रेडिएटर है बैक इनटू स्पेस बैक इनटू दिस इज इनटू इनटू बैक इनटू स्पेस एफेक्ट्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट स्मॉल ग्लेशियर्स जो ग्लेशियर बोले हिमखंड बरफखंड इन इंडिया हैव टोटली मेल्टेड डाउन व्हाइल द बिग ग्लेशियर्स हैव डिक्रीज्ड इन साइज व्हिच हैज अफेक्टेड द एबिलिटी टू इरिगेट क्रॉप्स एंड हैज रिड्यूस्ड स्ट्रीम फ्लोस नीडेड टू कीप डैम्स एंड रिजर्वेशंस रिप्लेनिश्ड रक्त को परिपूर्ण कर रखा को पड़ो नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर मीन्स बणनिया राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मे काज फॉरेस्ट फायर्स दैट रिलीज मोर स्टोर्ड कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर देन द कार्बन साइकिल कैन री ऑब्जर्व एंड आल्सो रिड्यूस फॉरेस्ट एरिया ऑन द प्लैनेट यस नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ डिजीज ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड दि फेवरेबल जोन्स फॉर वेक्टर्स कन्वेइंग इनफेक्शियस डिजीजेस संक्रामक रोग सच एज डेंगू फीवर एंड मलेरिया सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग वी शुड चूज दि लीस्ट पॉल्यूटिंग मोस्ट इफेक्टिव व्हीकल दैट मीट्स आवर नीड्स चूज अल्टरनेटिव्स लाइक वॉकिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट वन इज वी शुड टर्न ऑफ द लाइट व्हेन वी लीव ए रूम कीप आवर एयर कंडीशनिंग दिस आई एन जी कुड अंडरस्टैंड आई कंडीश एयर कंडीशनिंग कंडीशनिंग एंड हीटिंग सिस्टम्स प्रॉपरली मेंटेन्ड बाय चेंजिंग एयर फिल्टर्स एंड कीपिंग एयर कंडीशन्स कॉइल्स क्लीन वी शुड चूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू स्टोरिंग कार्बन ट्रीज प्लांटेड इन एंड अराउंड
urban areas and residents can provide the much needed shade in the summer and reduce energy bills. Thank you all. With this, that is the end of today's report writing class. We shall discuss the author report writing reports in our next class. Till then, bye. Thank you. Okay.